हेलो गाइस व्हाट्सअप अप एवरीवन दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सेपाटी और आज के सेशन में हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर है एक डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जिसको हिंदी में बोलते हैं साझेदारी फर्म का विक्टन। आज हम इसके सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश जैसे हमेशा होता है दोनों लैंग्वेज में लिखा है तो जो भी आपको ठीक लगे आप उस लैंग्वेज में देख सकते हो साथ में एक चीज़ और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो वहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियोस डालती रहती हूँ रिलेटेड टू थ्योरी और टी एस ग्रेवाल की बुक एनसीआर टी की बुक बुकें तो वहाँ भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी साथ में एक चीज़ और आ, मैंने एक प्ले बनाई हुई है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम अभी 2019, 18 और 17 का सॉल्व कर चुके हैं तो आप लोग वो एग्जाम पेपर में देखना बिल्कुल भी मत भूलना इनफैक्ट आप अभी से एक एक पेपर देख लो उनका उनसे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है, है ना तो उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग रिलाइजेशन एक्सपेंसेस ठीक है फर्स्ट दिया हुआ है रिलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू रुपीज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ठीक है सेकेंड जो दिया गया है आपको वो दिया है रिलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू रुपीज थ्री थाउजेंड वर पेड बाय अशोक वन ऑफ द पार्टनर मतलब जो वसूली व्यय है यानी जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है की राशि कितनी दे रखी है अमाउंट दिया है तीन हजार रूपए का भुगतान अशोक द्वारा किया गया जो कि फर्म का एक पार्टनर है उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंस रूपीज ट्वेंटी मतलब ट्वेंटी थ्री हंड्रेड रुपीज तरुण द्वारा व्यक्तिगत तौर पर किए गए उसने एक खर्चा किया है जो कि उसका पर्सनल है ओके नंबर डी नेक्स्ट दिया हुआ है अमित पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द असेट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज फोर थाउजेंड अमित एक पार्टनर है एक साझेदार है को परिसंपत्ति का मतलब होता है असैट <coughs> की वसूली के लिए चार हजार रुपए में नियुक्त किया गया वास्तविक वसूली खाते की जो अमाउंट है वो कितना है तीन हजार रुपए है ठीक है चलो जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला जा रहा है सिंपल क्वेश्चन है तो फर्स्ट वाली जो हम एंट्री करेंगे वो एक्सपेंस पेड करने की करेंगे क्योंकि फर्स्ट वही दिया हुआ है डेट नहीं है इसलिए मैं नंबर वन टू थ्री करके लिखेंगे जब आप एक्सपेंस पे करते हो जब आप कोई एक्सपेंस पे करते हो तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे तो बैंक और डेबिट क्या करोगे रियलाइजेशन अकाउंट तो ये टू यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अमाउंट लिखोगे रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड अमाउंट दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एंट्री नंबर सेकेंड सेकेंड एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड किया है किसने अशोक ने है ना तो आप बस सेम एंट्री करोगे बस क्योंकि अशोक ने पे किया है इसलिए हम टू में अशोक कैपिटल लिखेंगे तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू अशोक्स कैपिटल रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय अशोक अमाउंट जो है वो थ्री थाउजेंड का दिया हुआ है ये नॉर्मल जर्न, जर्नल एंट्रीज हैं जो आप इलेवेंथ क्लास में सीख कर आए हो तो इसमें कुछ बहुत टफ नहीं है उसके बाद में जो थर्ड एंट्री दी गई है वो एक बार मैं पढ़ लेती हूँ थर्ड एंट्री क्या दी हुई है रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ट्वेंटी थ्री हंड्रेड बॉन्ड बाय तरुण पर्सनली अब क्योंकि पर्सनल है तो इसलिए हम इसकी यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे आ जाते हैं एंट्री नंबर फोर पर उसके बाद में नंबर फोर्थ में अमित पार्टनर वॉज अपॉइंटेड रियलाइजेशन रियलाइज द कॉस्ट ऑफ फोर थाउजेंड रुपीज ओके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू अमित सेम एंट्री है सेकेंड और थर्ड ठीक है पहले रेशन लिख देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड टू अमित कितना फोर थाउजेंड रुपीज यहाँ पे तीन हजार रुपए की एंट्री नहीं करेंगे एंट्री चार हज़ार की करेंगे क्योंकि अमित को अपॉइंट कितने में किया गया है चार हज़ार रुपये में अपॉइंट किया गया ठीक है होप आपको जनरल एंट्री समझ में आई होंगी अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़ लेते हैं एक बार आपको जनरल एंट्रीज ही करनी है इसमें क्रेडिटर्स वर्थ रुपीज एटी फाइव थाउजेंड एक्सेप्टेड टू रुपीज फोर्टी थाउजेंड एज कैश एंड इन्वेस्टमेंट

और बच्चे जो इन्वेस्ट मतलब 43000 का इन्वेस्टमेंट हो गया और यही फुल सेटलमेंट हो गया मतलब वैसे देखा जाए तो 40000 और 43000 टोटल मिलाकर होता है 83000 बट 83000 था 85000 बट अब 83000 में फुल सेटल सेटलमेंट हुआ है उसके बाद में नंबर सेकंड <coughs> सॉरी नंबर सेकंड में बोल रहा है क्रेडिटर्स वर ₹16000 क्रेडिटर्स कितने के हैं के हैं दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यू एट एटीन थाउजेंड इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम मतलब आपकी सोलह हजार रुपए के आपके क्रेडिटर्स हैं उन्होंने आपने क्या किया है उनको अठारह हजार रुपए की एक मशीनरी में फुल सेटलमेंट हो गया है मतलब सोलह हजार रुपए के क्रेडिटर्स थे बट अब एक मशीनरी की वैल्यू जिसकी अट्ठारह हजार रुपए है, जिसके साथ फुल सेटलमेंट हुआ है उसके बाद में नंबर सी एक नब्बे मतलब के नाइनटी थाउजेंड के क्रेडिटर्स हैं ठीक है लेनदार कितने के हैं नब्बे हजार रूपए के लेकिन वे एक लाख बीस हजार रुपए का तो एक भवन एक लाख बीस हजार का तो एक भवन और साथ में तीस हजार रुपए के रोकड़ को फर्म का भुगतान स्वीकार करते हैं ठीक है चलो जर्नल एंट्रीज करनी है जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो अगेन इसमें भी डेट नहीं है तो हम वन टू थ्री करके नंबर लिखेंगे फर्स्ट जो जर्नल एंट्री हम करेंगे वो करेंगे जो हमारे क्रेडिटर्स थे एटी फाइव थाउजेंड के जिन्होंने फोर्टी थाउजेंड रुपीज कैश में और फोर्टी थ्री थाउजेंड इन्वेस्टमेंट में किया है ना उसके लिए तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अब यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट यहाँ पे फोर्टी थाउजेंड आएगा क्यों आएगा फोर्टी थाउजेंड क्योंकि आपको पता होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि हमें ये पता हो कि हमको कितना पैसा कैश में आ रहा है या कैश में जा रहा है केवल तभी तो बनाते हैं ना कि फर्म बंद हो रही है तो फुल सेटलमेंट कितने में हो रहा है केवल कैश की एंट्री करते हैं इस वजह से हम यहाँ पर फोर्टी थाउजेंड से एंट्री कर रहे हैं तो और नरेशन लिख देंगे यहाँ पर creditors worth rupees 85000 accepted 40000 is cash okay उसके बाद में जो सेकेंड एंट्री है सेकेंड वाली एंट्री में क्या हुआ है कि लेनदार सोलह हजार के थे आपके मतलब क्रेडिटर्स जो थे वो सिक्सटीन थाउजेंड के थे और अठारह हजार रुपए की <coughs> मूल्य की मशीनरी को अपने दावे का भुगतान स्वीकार करते हैं इसकी हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो हमारी एसेट है और जो लाइबिलिटी है अगर वो पहले से ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है तो हमें उसकी कोई एंट्री नहीं करनी पड़ती इसलिए जो सेकेंड वाला पॉइंट है इसकी हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे आ जाते हैं नंबर थर्ड पर तो नंबर थर्ड सी एंट्री यानी मैं नंबर थ्री डाल देती हूँ यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और नेशन पहले लिख लेते हैं फिर अमाउंट लिखते हैं क्रेडिटर्स की वर्थ कितनी है क्रेडिटर्स रुपीज नाइन्टी थाउजेंड एक्सेप्टेड बिल्डिंग worth rupees A K, L, B C, A, Zara, and return thirty thousand as cash after, मैं अभी आपको इसका मतलब समझा देती हूँ आफ्टर सेटलमेंट क्लेम टू द फर्म मतलब क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि जो आपके क्रेडिटर्स थे वो कितने के थे नाइन्टी थाउजेंड के थे जब आपकी फर्म आप बंद कर रहे थे फर्म आप माँ, क्लोज कर रहे हो डिजोल्यूशन हो रहा है तो उस टाइम पे क्या आपकी बिल्डिंग की जो वर्थ है वो एक लाख बीस हजार रुपए की है आपने उसको बिल्डिंग दे दी और साथ में उसने थर्टी थाउजेंड रुपीज आपको वापस की करेगा वो रिटर्न करेगा <coughs> जब आपका फाइनल सेटलमेंट मतलब यही आपका फाइनल सेटलमेंट होगा तो आपके पास कैश में कितना आया मतलब अगर कैश रिटर्न की बात करें तो कैश रिटर्न तो केवल थर्टी थाउजेंड ही आया होप आपको समझ आया होगा मैं एक बार फिर से इजी वर्ड्स में समझा देती हूँ होता क्या है जब आप कोई फर्म बंद कर रहे होते हो उस टाइम पे आप अपनी जितनी भी आपकी एसेट्स होती है आप उनको सेल कर रहे होते हो और जितने भी आपके क्रेडिटर्स होते हैं उनको आप मतलब अपनी लाइबिलिटीज को चुका रहे हो तो यही होता है डिसोल्यूशन में ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं आपने पढ़ लिया होगा थ्योरी में ठीक है तो अब इस सीचुएशन में थर्ड वाले में क्या बोल रहे हैं कि क्रेडिटर्स तो नब्बे हजार रुपए के मेरे पास किसी के नब्बे हजार रुपए मुझे उसे नब्बे हजार रुपए देने हैं और मेरे पास एक बिल्डिंग है बिल्डिंग की वैल्यू मेरी एक लाख बीस हजार निकल रही है तो मैंने उसको बोला ठीक है तुम मुझसे एक लाख बीस हजार रुपए की बिल्डिंग ले लो और साथ में उसने बोला कि ठीक है एक लाख बीस हजार की बिल्डिंग तीस हजार रुपये तुम्हें मैं कैश में दे दूंगा ऐसा हो सकता है तो यही सिचुएशन हो रही है केस नंबर सी में ठीक है होप आपको ये समझ में आई होंगी एंट्रीज तो अब हम इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड से आगे वाले क्वेश्चन होप आपको समझ आया होगा समझ आया है तो कमेंट करो आ, बताओ मुझे आपको अच्छा लगा है नहीं लगा है क्या हुआ है और कुछ भी नहीं समझ में आया तो ये भी मुझे कमेंट करके बताओ ताकि हम डिस्कस कर लेंगे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कम सब्सक्राइब जरूर करो यार तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको काम पसंद आ रहा है मतलब कमेंट्स तो बहुत सारे रहते हैं अच्छे अच्छे उसके लिए तो दिल से थैंक यू सो मच चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाय थैंक यू सो मच